एमपी के हरदा में नहर का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा था, जिसको लेकर किसानों ने चक्का जाम कर दिया। घंटों तक किसान सड़क पर ही बैठे रहे, किसी भी वाहन को नहीं निकलने दिया। मौके पर नहर विभाग के कार्यपालन मंत्री ने किसानों को लिखित आश्वासन देकर चक्का जाम समाप्त करवाया। खंडा हरदा स्टेट हाईवे पर किसानों ने हाईवे पर बैठकर जाम लगाया था। किसानों ने बताया कि ग्राम मसन गांव काकरिया सहित अन्य ग्राम के किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे नाराज किसानों का आरोप है कि नहर विभाग की साठगांठ से हमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और जो हमारा नहर का पानी है वो दूसरी जगह दिया जा रहा है। इस नहर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, एक महीना हो गया गोनी को, इसके बाद में अभी तक पानी नहीं आया है। किसान बहुत परेशान है। इस नहर से नीचे, रोड से नीचे कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल फसल सूख गई है पूरी। आप कहाँ कहाँ गए अभी तक अपनी समस्या लेके? सबने हमको एसडीएम साहब को सबको अवगत कराया है, पर कोई 181 पे भी फोन लगाया था हमने, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो फिर अभी क्या हुआ है आज? अब आज आंदोलन किया है। अभी ये साहब ने बोला है कि एक हफ्ता लिखित में दिया, एक हफ्ता पानी, भरपूर पानी मिलेगा और इस बार हमको मूंग में भी मिलना चाहिए। ठीक, ये हमारे आसपास के जो गांव है काकरिया मसन गांव, यहाँ के कुछ किसान थे, पानी को लेकर असंतोष प्रकट कर रहे थे। तो नहर विभाग के हमने अधिकारियों को बुलवाया है यहाँ पे, उनके द्वारा इनको लिखित में आश्वासन भी दिया गया है और समस्या निदान करने का भरोसा दिलाया गया है। इसी आधार पर जो जाम ये खुलवा दिया गया है। कब से लगा था सर ये जाम? ये 10 से 15 मिनट की सूचना है हमारे पास जो है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।